हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वीट होम किचन SHK। आज की हमारी रेसिपी है ढोकला पॉप्सिकल। इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। तो आइए इस खमन ढोकला सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में एक कप सूजी ले, इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, एक कप दही ले। अब इसे अच्छी तरह से विस्क करें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। एक मिक्सी के जार में एक कप धनिया ले, हाफ रफली चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, 10 से 15 कड़ी पत्ते, ताज़े या सूखे पुदीने के पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार और हाफ कप जितना तैयार किया हुआ बैटर। इसे ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करें। अब इसे एक बाउल में निकाल ले। खमन सैंडविच बनाने के लिए इस तरह के कोई भी सिलिकॉन मोल्ड्स ले। अब इसे घी से ग्रीस करें। एक बाउल में एक कप जितना बैटर ले, इसमें 1 टेबलस्पून सूजी ऐड करें, 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में फिल करें। हमने 1 टेबलस्पून जितना बैटर ऐड किया है और इसे इवनली स्प्रेड किया है। इसे ज़्यादा फिल न करें क्योंकि हमें बाकी के लेयर्स भी फिल करने हैं। अब इसमें पॉप स्टिक्स इंसर्ट करें। अब इस मोल्ड को एक डबल बॉयलर या कढ़ाई में रखें। इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। अब इस पे तैयार की हुई ग्रीन चटनी स्प्रेड करें। इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अब इस पे फिर से तैयार किया हुआ सूजी का बैटर ऐड करें। इसे इवनली स्प्रेड करें। इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने दें। आइए तो पास में तड़का तैयार करते हैं। एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करें। इसमें 1 टीस्पून राई ऐड करें, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च। हमारा तड़का तैयार है। हमारी पॉपस्टिक सैंडविच पक चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर ले। 5 मिनट ठंडा करने के बाद इसे मोल्ड में से निकाल ले। हमारे ढोकला पॉप्सिकल्स तैयार है। एक्सेस खमन को नाइफ की मदद से ट्रिम कर ले। हमारे ढोकला सैंडविच तैयार है। तैयार किए हुए तड़के से इसे गार्निश करें।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस से गार्निश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।